नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक देव और आप देख रहे हैं डीडी चैनल। डीडी चैनल में आपको बहुत ही स्वागत है। हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ दीपक देव एंड यू वाचिंग टू डीडी चैनल। डीडी चैनल में आपको बहुत ही स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक खास ट्यूटोरियल लेके आया हूँ जो आपको बहुत ही काम में आने वाला है, खास करके उन लोग के लिए जो वीडियो एडिटिंग करते हैं अपना मोबाइल से, जिनके पास कोई लैपटॉप नहीं है, पीसी नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, लेकिन वो एक यूट्यूब चैनल चला रहा है या उनको चलाने का इरादा है। तो उन लोग के लिए हम ये वीडियो ट्यूटोरियल लेके आया हूँ कि कैसे वो अपना वीडियो को एडिट कर सकते हैं अपने मोबाइल से। तो सबसे पहले आप अपना मोबाइल से काइन मास्टर को ओपन कर लीजिए। करने के बाद कोई भी आप एक वीडियो शूट जो किए थे आप उसको पहले ले लीजिएगा। तो हम वीडियो शुरू करने से पहले एक ज़रूरी बात आपको हम बोलना चाहते हैं कि ध्यान से आप मेरे बात को सुनिए, मेरे वीडियो को देखिए, तभी आपको एक प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग के बारे में आपको पता चलेगा और कैसे करना है वो हम आपको बिल्कुल एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आपको हम दिखाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा। बीच में आप स्किप कीजिएगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि एक बात अगर आप स्किप करके निकल जाते तो आपको समझ भी नहीं आएगा कि क्या हम समझाने वाला हूँ आपको और क्या दिखाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, एक ज़रूरी बात और हम आपको बोलना चाहते हैं कि अगर आप मेरे वीडियो पे पहली बार यानी फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है तो वीडियो का नीचे देखिए एक रेड कलर का बड़ा सा सब्सक्राइब बटन है, उस पे जाके आप क्लिक कर लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन करना भूलिएगा मत। तो सबसे पहले आप अपना काइन मास्टर को ओपन कर लीजिए। करने के बाद जहाँ प्लस आइकन है वो आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद जहाँ एमटी प्रोजेक्ट लिखा है वो आप क्लिक कीजिए, ठीक है। करने के बाद जहाँ मीडिया लिखा है, मीडिया पे आप एक बार क्लिक कीजिए। करने के बाद कोई भी अपना जो वीडियो आप शूट किए थे या आपका जो मोबाइल का या पीसी का मतलब आप स्क्रीन रिकॉर्ड किए थे वहाँ से कोई वीडियो आप चुन लीजिए, ठीक है। आप चाहे तो वीडियो शूट करके भी चुन सकते हैं, इसमें एडिटिंग कर सकते हैं एकदम आसानी से, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। या फिर आप अपना जो भी आप पीसी बोलिए, लैपटॉप बोलिए, मोबाइल बोलिए, कंप्यूटर बोलिए, जैसे भी आप आपका वीडियो आप एडिटिंग करते हैं तो वहाँ का स्क्रीन आप रिकॉर्ड करके भी यहाँ पर एडिटिंग कर सकते हैं। देख रहा है आप वीडियो पे कि मेरा बहुत सारा स्क्रीन रिकॉर्डिंग या शो हो रहा है। तो यहाँ से हम कोई एक वीडियो को चूज़ कर लेंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसे एडिटिंग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए या लंबा हुआ है मेरे हिसाब से, लेकिन आपको पूरा ध्यान से दिखना पड़ेगा। अगर आपको वीडियो एडिटिंग पूरा जानकारी लेना है और पूरा सीखना है तो यह 2-4 मिनट ज़्यादा होने से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला मेरे हिसाब से, क्योंकि कुछ चीज़ सीखने के लिए कुछ वक्त भी हम लोग को गंवाना पड़ता है। ये हम लोग छोटा से देख के आया है। मान लीजिए आप छोटा से जब स्कूल में पढ़ते थे या कॉलेज में पढ़ते थे तो आपको कुछ सीखने के लिए कितना समय बिताना पड़ा, उसके बाद जाके ना आपको कोई डिग्री मिला है, ठीक है। तो ठीक है, उसी तरह कोई भी चीज़ सीखने के लिए आपको एक बार में आप सीख नहीं सकते, धीरे 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 आपको सीखना पड़ता है स्टेप बाई स्टेप। ठीक उसी तरह आपको हम समझाने वाला हूँ स्टेप बाई स्टेप। तो देखिए, जहाँ आपका लेयर लिखा है लेयर पे आप टच कीजिए। टच करने के बाद आप मान लीजिए आप वीडियो में कुछ लिखना चाहते हैं, मैसेज देना चाहते हैं, जैसे आप दिख रहे हैं कि हम लिख रहे हैं वेलकम टू डीडी चैनल, ठीक है। आप ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं, हम आपको दिखाने के लिए हम ऐसा कर रहा है तो, लेकिन आप देख रहे हैं कि वेलकम जो हम लिखा है वहाँ पर ई के जगह डब्ल्यू आ गया, तो ये मिस्टेक मत समझिएगा, आपको हम दिखाने के लिए जस्ट कर रहा हूँ, ठीक है।
तो इसका करने के बाद आप यहाँ से देखिए जहाँ ए लिखा है वहाँ पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आप फ्रंट से चूज़ कर सकते हैं। देखिए जहाँ ए लिखा है वहाँ पर आप टच करके इसका जो फ्रंट है आप चूज़ कर सकते हैं। कोई भी फ्रंट चूज़ कर लीजिए। करने के बाद आप जहाँ एक देखिए सर्कल जैसा है वह टच कीजिए, तो कलर भी आप चूज़ कर सकते हैं। ऐसे कलर चूज़ कर लीजिए और जहाँ मर्जी आप इसको बिठा सकते हैं। और देखिए इन एनिमेशन एक ऑप्शन है, उस पर आप क्लिक कीजिए। करने के बाद देखिए धीरे धीरे नीचे बहुत सारा ऑप्शन दिया गया है। आप चाहे तो यहाँ से कुछ भी कोई भी ऑप्शन आप चूज सकते हैं। जैसा है ड्रॉप, देखिए स्केल अप, स्केल डाउन, कॉन्वर्ट्स, लेटर बाय लेटर। ज़्यादा से ज़्यादा हम यही यूज़ करते हैं। मेरे लिए मेरे ज़्यादा वीडियो में देखिएगा देखिएगा आप कि हम इसी को यूज़ किया लेटर बाय लेटर। मेरे हिसाब से ये काफ़ी अच्छा है, तो हम इसी को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप करके इसको सेट कर लीजिए। आप चाहे तो इसका जो स्क्रीन का जो आपका साइज़ है इसका भी इसको भी आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। और आप चाहे तो देखिए जहाँ एक ऑडियो का सिस्टम दिया गया है, आप यहाँ से ऑडियो मतलब कोई गाना अपना वीडियो के पीछे आप डाल सकते हैं, कोई म्यूजिक डाल सकते हैं, या फिर आप कुछ डाउनलोड करके भी आप इसमें डाल सकते हैं। देख रहे हैं आप जैसे हम वीडियो में दिखा रहा है कि डाउनलोड पे हम क्लिक किया। करने के बाद जहाँ प्लस आइकॉन है वो आप क्लिक कीजिएगा, तो जो गाना आप डाउनलोड किए थे वो ऑटोमेटिक देखिए नीचे चला आएगा। ठीक है, ये रहा देखिए ढाकेर तले जैसा आप दिख रहा है, ये बांग्ला गाना है। इसको हम नीचे लिया हूँ, तो इस पर जहाँ राइट क्लिक है वहाँ पर आप राइट कीजिए। करने के बाद आप चाहे तो गाना को काट भी सकता है। जहाँ स्ट्रीम लिखा है स्ट्रीम पे आप क्लिक कीजिए, करके आप गाना को आगे पीछे ऐसे काट सकते हैं। चाहे आप बीच वाला रखिए, चाहे लेफ्ट रखिए, राइट रखिए, ठीक है, या फिर आप बीच बीच वाला हटा दे सकते हैं। ठीक है, ऐसे आप इसको कर लीजिए। और जहाँ आपका ये देखिए आप जो गाना लिए हैं उसका वॉल्यूम भी आप ऊपर नीच करके देखिए, ऐसे आप ऊपर नीच करके इसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे आप आराम से इसको सेट कर लीजिएगा। और देखिए अब ऐसे बीच में से भी इसको उठा लीजिए और सेट कर लीजिए, करके आप टिक मार दे दीजिए। तो जो आप म्यूजिक दिए देखिए हम जैसे प्ले किया हूँ तो ये पूरा फुल साउंड में बज रहा है। राइट साइड पे आप देखिए बजने का सिंबल दिखा रहा है। और इसके बाद फिर आप प्लेयर पे चलाइए। आने के बाद आप चाहे तो इसमें दूसरा कुछ भी आप अपना वीडियो में डाल सकते हैं। देख रहे हैं आप, ये हम एक बैकग्राउंड ले लिया और इसको थोड़ा बड़ा कर लिया। बड़ा करने के बाद आप इसको चाहे तो पूरा वीडियो में भी रख सकता है। फिर लेयर पे आइए। आने के बाद आप चाहे तो इसमें कोई फ़ोटो लगा सकता है, अपना चैनल का लोगो लगा सकता है, या देखिए जैसा हम लिया लगाया DD चैनल, इसको हम बड़ा करके पूरा स्क्रीन फुल स्क्रीन में ले आया हूँ। तो आप चाहे तो इसको छोटा भी रख सकता है, एक कोना में बिठा सकता है। तो ठीक है, इसको हम प्ले करके दिखा रहे हैं। आप देखिए जैसे ये आगे आएगा तो ऐसे खुल जाएगा, ये काफ़ी अच्छा है। आप ऐसे कुछ भी आप इसमें एडिट कर सकते हैं। और आप चाहे तो इसका काट करके छोटा बड़ा भी कर सकता है। वीडियो को आप चाहिए तो जो ऊपर का लेयर है उसमें आप क्लिक कीजिए। करने के बाद इस पे आप डिवाइडेड कर लीजिए। करने के बाद आप इसमें एनिमेशन भी डाल सकते हैं, जैसा हम आपको वीडियो में दिखाया 3D एनिमेशन। और फिर आप प्ले करके देख सकते हैं कि कैसे वो शो हो रहा है। तो मेरा यह नीचे देखिए दूसरा एक ऑप्शन है, इसलिए ये एनिमेशन काम नहीं किया। तो इसलिए हम इसको जो गैप ऊपर का लेयर में किया है, नीचे का लेयर में भी ऐसे गैप कर दिया। तो करने के बाद देखिए ऑप्शन कुछ चेंज हो जाएगा। पे देखिए इस तरह से आप अपना वीडियो में 3D इफेक्ट भी डाल सकते हैं। ठीक है, और आप चाहे तो
इसमें बहुत सारा ऑप्शन है, धीरे धीरे आपको हम दिखाएंगे एक एक करके, तो आप देखते रहिए ध्यान से, तभी जाके आपको पता चलेगा टेक्स्ट कैसे डालना है, एनिमेशन कैसे डालना है, साउंड कैसे रिकॉर्ड करना है। देखिए हम आपको साउंड रिकॉर्ड करने का ऑप्शन जब दिखाया हूँ, जहाँ एक माइक का सिंबल है वो आप क्लिक कीजिएगा, करने के बाद जैसे ये आपका सामने ये खुल जाएगा, देखिए उसके बाद देखिए आप जो नीचे जो वॉइस लिखा है वहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा, और करने के बाद आप वॉइस को जैसे क्लिक कीजिएगा तो स्टार्ट हो जाएगा रिकॉर्डिंग। और इसका भी वॉल्यूम आप बढ़ा सकता है घटा सकता है, जहाँ आपको लगे कि आपका वॉल्यूम थोड़ा कम हो गया डाउन हो गया वहाँ पर आप इसको बढ़ा लीजिए। फिर आप इस पर चाहे तो ओवरली कुछ दे सकते हैं, आपका वीडियो का ऊपर में कोई जैसा आप दिख रहा है ओवरली में आप क्लिक कीजिएगा तो ऐसे ही आपका वीडियो का सामने, जैसे देखिए एक फुटबॉल को हम चूज़ कर लिया तो देखिए फुटबॉल सामने आ गया। इसको चाहे तो आप पूरा बड़ा कर सकते हैं छोटा कर सकते हैं, ठीक है तो छोटा करके हम एक साइड में लगा लिया। और दोबारा आपको हम एक अपना चैनल का लोगो दिखाने के लिए लेयर पे जाइए, जाने के बाद आपका जो चैनल है चैनल का लोगो आप ले लीजिए, देख रहे हैं आप मेरा चैनल का लोगो हम ले लिया हूँ, तो इसको क्रॉप करके साइज में बिठा लीजिए, ठीक है। बिठाने के बाद जहाँ ऊपर में देखिए मार्क्स लिखा है उस पर क्लिक कीजिए, करने के बाद आपका जो लोगो का साइड में बैकग्राउंड था वो हट जाएगा, और इसको आप छोटा बड़ा करके एडजस्ट करके जहाँ मर्जी बिठा सकते हैं, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे जहाँ मर्जी आप इसको सेट कर सकते हैं। तो देखिए हम राइट साइड में लेके आया और यहाँ पर इसको सेट कर लिया, ठीक है। और इसको आप प्ले करके देख सकते हैं, देखिए परफेक्ट है। आप चाहे तो पूरा वीडियो में भी इसको रख सकते हैं, हाँ, और चाहे तो आप प्ले करके देख सकते हैं। देखिए वॉइस के लिए आपको हम दोबारा दिखा रहा हूँ, ठीक है, आप इसमें वॉइस भी डाल सकते हैं बिल्कुल आराम से, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आप चाहे तो इसमें दूसरा कुछ वीडियो भी डाल सकते हैं, दूसरा लोगो डाल सकते हैं लेयर पे जाके, तो आप चाहे तो इसमें देखिए हम लेयर पे जाके एक बैकग्राउंड ले रहा हूँ, और वीडियो स्क्रोलिंग कैसे डालते हैं वो भी आपको हम दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो फिलहाल मैं वीडियो स्क्रोलिंग कैसे किया जाता है दूसरा मेरे चैनल में देखिए, दूसरा एक वीडियो है जहाँ पर हम दिया हूँ कि वीडियो स्क्रोलिंग के बारे में एक वीडियो तैयार किया हूँ, तो आप उसमें जाके देख लीजिएगा, आपको एकदम अच्छी तरह से पता चलेगा कि वीडियो स्क्रोलिंग कैसे किया जाता है। देखिए यहाँ पर आप चाहे तो दूसरा कोई वीडियो भी ले सकते हैं या इमेज ले सकते हैं, तो ऐसे आप ले सकते हैं, लेयर पे जाके फिर आप डाल सकते हैं। आपको हम हैंड राइटिंग का जो एक ऑप्शन है उस पे दिखाऊंगा, आप चाहे तो किसी चीज़ को आपका वीडियो में आप इंडिकेट करना चाहते हैं तो इसलिए आप एरो का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देखिएगा बहुत सारा यूट्यूब का जो वीडियो होता है उसमें इस तरह से कोई चीज़ को इंडिकेट करने के लिए एरो दिखाता है, तो ये कैसे डालता है, तो देखिए लेयर पे जाइए, जाने के बाद आप इसको आप चुन सकते हैं, ठीक है, जहाँ हैंड राइटिंग है लेयर पे जाने के बाद हैंड राइटिंग पे क्लिक कीजिएगा तो आपका सामने ये आ जाएगा। आप चाहे तो आपका खुद का इमेज भी लगा सकते हैं, देखिए इस तरह से, ठीक है, जैसा हम लगा रहा हूँ, तो आप आपका चैनल का लोगो या कोई दूसरा इमेज बिल्कुल आप डाल सकते हैं अपना वीडियो में। आप चाहे तो इसको हाफ पार्ट में भी, हाफ स्क्रीन में भी लगा सकते हैं, फुल स्क्रीन में भी लगा सकते हैं, लेफ्ट साइड में लगा सकते हैं, राइट साइड में लगा सकते हैं, और इंडिकेट करने का और भी सिस्टम है, जैसा राउंड होता है बॉक्स होता है वो आप हम कलर चेंज करके आपको दिखा रहा है। ये देखिए ये हो गया आपका रेक्टेंगल शेप का, आप चाहे इंडिकेट करने के लिए ये भी यूज़ कर सकते हैं, तो राइट चिन्ह दे फिर दोबारा आप क्लिक कीजिए लेयर पे, और करने के बाद हम इसका कलर जो है गोल एक राउंड सा है उसमें क्लिक करके रेड कर लिया हूँ, आप देख रहे हैं वीडियो पे, और इसको हम आपको दिखा रहा है जो राउंड सर्कल का है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं इस तरह। और करने के बाद मान लीजिए आप इसका अंदर भी कोई टेक्स्ट डालना चाहता है, तो जैसे हम लिख रहा हूँ सब्सक्राइब,
तो आप ऐसे भी डाल सकते हैं, सब्सक्राइब लिख लीजिए, और लिख के देख रहे हैं आप सब्सक्राइब नाउ, तो इसका देखिए जहाँ ए लिखा है वहाँ पर आप क्लिक कीजिए। करने के बाद जो आपका ये फ्रंट का चाहिए डिज़ाइन, मतलब जिस स्टाइल्स चाहिए फ्रंट का, वो स्टाइल यहाँ से आप चुन लीजिए, ठीक है। ये देखिए, और कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, जहाँ एक राउंड दिया गया है इस पे आप एनिमेशन डाल सकते हैं, इन एनिमेशन, आउट एनिमेशन, ठीक है, कुछ भी आप डाल सकते हैं। ये देखिए, प्ले करने के बाद कुछ इस तरह से होता है, तो ये काफ़ी देखने में एट्रैक्टिव होता है आपका वीडियो का। एट्रैक्टिव करने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, जो हम राउंड सर्कल दिया हूँ उसमें भी एनिमेशन दे दिया हूँ। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी अच्छा एक सॉफ्टवेयर है, आप इसकी मदद से एक प्रोफेशनली वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, ठीक है, जिसके लिए आपको मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और सबसे जितना भी एप्लीकेशन का वीडियो एडिटिंग के एप्लीकेशन है, मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया यही है। आपको पावर डायरेक्ट, आप कोई भी आदमी है जो पावर डायरेक्ट से वीडियो एडिटिंग करते हैं, या फिर फिल्मोरा से करते हैं, ऐसा बहुत सारा एप्लीकेशन है, भीटमा जो है, तो इस सबसे सबसे बेहतर मेरे हिसाब से यही है। काइनमास्टर एक बढ़िया एप्लीकेशन है, इसकी मदद से आप कुछ भी कर सकते हैं, अपना खुद का साउंड डाल सकते हैं, वॉइस डाल सकते हैं, ये वीडियो में आप एनिमेशन डाल सकते हैं, ऊपर से लेयर डाल सकते हैं, कोई आप लोगो डाल सकते हैं, या चीज कोई चीज़ को आप फैट करना चाहता है वो भी आप कर सकते हैं। तो अब देखिए, मैं हम म्यूजिक डाल रहा हूँ साइड से, तो एक बढ़िया एप्लीकेशन है, इसके मदद से आप हर चीज़ आसानी से आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से इससे बेहतर एप्लीकेशन आपको नहीं मिलेगा वीडियो एडिटिंग के लिए, वो भी आप मोबाइल से अगर करें तो, और लैपटॉप पीसी से अगर आप करते हैं तो उसके लिए बात कुछ और है, आप दूसरा चीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से मैं तो आपको यही रिकमेंडेड करूँगा कि आप काइनमास्टर का यूज़ कीजिए। काइनमास्टर बहुत ही अच्छा और पावरफुल टूल्स है, पावरफुल एप्लीकेशन है, इसकी मदद से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अपना वीडियो जो है वो आप HD में, मतलब हाई डेफिनेशन क्वालिटी दे सकते हैं, हाई डेफिनेशन क्वालिटी में आप सेव कर सकते हैं, और यहाँ से आप डायरेक्ट किसी भी साइट में आप डायरेक्ट यहाँ से शेयर भी कर सकते हैं, ये काफ़ी अच्छा है। तो और लेफ्ट साइड में भी कुछ ऑप्शन दिया गया है, जैसे कि ऊपर, सबसे ऊपर देखिए एक राउंड एरो जैसा है, इस पे आप अगर आप क्लिक करते हैं तो आपका जो काम, मतलब मान लीजिए गलती हो गया, आप पहले वाला जहाँ से शुरू हुआ था वो आप जाना चाहते हैं, तो वहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो आपको वापस वहीं पर ले जाएगा, ठीक है। और देखिए, इस तरह से आप कुछ भी लिख सकते हैं बड़ी आसानी से। और देखिए, इसका जो फ्रंट का स्टाइल है, हम इस पे दूसरा लगा रहा हूँ, और कलर भी हम चाहे तो इसको चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। देखिए, आपको हम दूसरा एक स्टाइल, हाँ ये वाला रोबोटो बोल्ड, देखिए जैसे क्लिक किया तो इसका जो स्टाइल था चेंज हो गया, कलर का बटन में क्लिक किया तो देखिए कलर चेंज हो गया, एक काफ़ी अच्छा है। चाहे तो आप इसका कलर थोड़ा फेड भी कर सकते हैं, नीचे घटा के ऊपर बढ़ा के आप कलर को ज़्यादा कर सकते हैं, मतलब डीप और लाइट कर सकते हैं, साउंड दे सकते हैं आप साइड से, जैसे जहाँ म्यूजिक का एक सिंबल दिया गया है राइट साइड में, देखिए ऑडियो लिखा है, उसमें आप जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपका सामने बहुत सारा ऑप्शन आ जाएगा, आप कौन सा म्यूजिक डालना चाहते हैं वो भी आप डाल सकते हैं। और देखिए, ये देखिए स्लाइड वीडियो स्लोली स्लोली वीडियो स्लाइड जो एनिमेशन होता है वो इस तरह से डाला जाता है,
तो इसके लिए हम एक दूसरा वीडियो ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल में छोड़ चुका हूँ। तो अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहिए तो वो वीडियो आप ज़रूर देख लीजिए, तभी आपको पता चलेगा कि कैसे करना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यही था आज का टॉपिक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। और ज़्यादा समय लेने के लिए आपसे हम माफ़ी मांगते हैं कि आपका वक्त बर्बाद हुआ है। अगर आपको थोड़ा सा भी काम में आया तो इसके लिए आप लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। देखिए हम HD क्वालिटी में इसको